हेलो फ्रेंड, मैं विक्की बर्थवाल और आज तुम्हारा भाई लेकर आया है ऑल न्यू हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस गोल्डन मैट कलर में। आज इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइस है और क्या चेंजेस हुए हैं इस बाइक में। एक इसमें सबसे स्पेशल चेंज ये हुआ है कि अब इसमें USB चार्जिंग सॉकेट दे दिया है, जिससे कि आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई के चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने में। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस होगा वो स्क्रीन में आ रहा होगा। बाकी ये मैट कलर में एकदम, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, मैट गोल्डन कलर में देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। आप बताएं आपको कैसी लग रही है। फ्रंट से वही हेलोजन हेडलाइट है और इंडिकेटर बल्ब्स हैं, इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह दे रखी है और मैट फिनिश में मडगार्ड है गोल्डन कलर में। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको पता है IBS है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब दोनों पर जब आप ब्रेक लगाते हैं तो इक्वली लगते हैं। फ्रंट ब्रेक ड्रम है 130 और रियर भी ड्रम है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, 80/118 के टायर हैं, रिफ्लेक्टर दे रखा है। टैंक में हीरो की 3D में बैचिंग दे रखी है, लेग गार्ड दे रखा है। फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक दे रखा है और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल है, मतलब आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीटर कंसोल वही फुल्ली अनलॉक है, मीटर कंसोल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। स्पीडोमीटर, सारे टैकोमीटर सब अनलॉक है। फ्यूल गेज है और ये देखिए यहाँ पे आपको USB की जगह दे रही है, काफ़ी एक नया फीचर है, अच्छा फीचर है। इधर I3S का बटन है और स्टार्ट का बटन है। यहाँ पे लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर और हॉर्न का बटन है। टैंक काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश में है और हीरो की बैजिंग है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग है, 3D में है और I3S की बैजिंग है। इंजन पूरा ब्लैक उसमें है, साइलेंसर ब्लैक क्रोम में। सीट एज़ यूजल स्प्लेंडर की कंफर्टेबल है ही, क्योंकि ये कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो कंपनी कंप्यूटर सेगमेंट को ध्यान में रख के इस बाइक को बनाती है। एवरेज बहुत अच्छी है इस बाइक की, 60 से 65 की एवरेज आराम से दे देती है। इंजन की बात करें तो इसमें 97.2 CC का इंजन आता है, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट करता है 7.91 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, 4 गियर हैं इसमें। फ्यूल इंजेक्शन है, टैंक इसका 9.8 लीटर का है जिसमें रिजर्व रहता है 1 लीटर, और एवरेजेस की 60 से 65 की एवरेज आराम से निकलती है। लोग ज़रूर बोलते होंगे आपको वीडियो में 70-75, लेकिन इतनी एवरेज निकलती है नहीं इसकी। बाकी पीछे ये ग्रैबरिल दे रखी है पकड़ने के लिए, जो पिलियन मैट के साथ साथ सामान मारने के लिए दे रखी है। ये एक कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो इसलिए इसको हर चीज़ उस तरीके से ध्यान में देके बाइक बनाई है। पीछे हलोजन टेल लाइट, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर दे रखे हैं, साड़ी गार्ड भी दे रखा है इसमें। साथ ही साथ 110 किलो की बाइक है, व्हील बेस है 1236 mm और ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। सीट हाइट है 785 mm। चेसी है ट्यूबलर डबल क्रेडल। ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। स्प्लेंडर के बारे में तो वैसे बताने की ज़रूरत ही नहीं होती इतने स्पेसिफिकेशन, क्योंकि लोगों की इतनी फेवरेट है कि लोग घर से सोच के जाते हैं कि मुझे स्प्लेंडर लेनी है। लेकिन ये एक नया कलर आया था और काफ़ी यूनिक कलर था, तो मैंने कहा कि आपको ज़रूर इस बाइक को देखना चाहिए। बाकी अगर भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि ये कलर कैसा लग रहा है। और चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइडिंग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।